हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पाइसी भोला कबाब की रेसिपी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है जिसमें मैंने 5 से 6 अक्खी लाल मिर्च ली है तेज़ वाली, और 1 से 1.5 चम्मच धनिया लिया है अखा, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है। इन सब को 2 मिनट सॉटे करना है। सॉटे करने के बाद इसे हमें थोड़ा ठंडा करके मिक्सर के जार में दरदरा पीस लेना है। आप फ्रेश मसाले यूज़ करेंगे तो हमारे कबाब में जो है टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा दरदरा आपको पीसना है। अब इसे साइड में रख दीजिए। ये हो गया हमारे कबाब का मसाला रेडी। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है जिसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद इसको छन्नी में अच्छे से रख कर इसका पूरा पानी हमको निकाल लेना है। कबाब बनाने के लिए हमें पानी कबाब कीमे में पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो हमारे कबाब प्रॉपर नहीं बन पाएंगे। अब कीमे में हमें ये पूरा मसाला जो हमने पीसा था वो इसमें डालना है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। आप अदरक लहसुन कूट के भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच हरी मिर्च को मैंने कूट कर डाली है ताज़ी, और साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 प्याज को मिक्सर के जार में दरदरा पीस लिया था, और इसे कपड़े में अच्छे से निचोड़ के इसका भी पूरा पानी हमें निकाल लेना है। और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा हरा पुदीना डाला है, इसमें बिल्कुल कंजूस नहीं करना है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर बटर डाला है। बटर डालने से जो हमारे कबाब है वो बहुत ही अंदर से जूसी बनते हैं। अगर आप बटर की जगह तेल डालना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच इसमें तेल डाल सकते हैं, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। उसके बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 4 चम्मच भुनी हुई चने की दाल ली है जिसको मैंने मिक्सर के जार में बारीक पीस लिया था। आप देख सकते हैं ऐसी दाल आपको आसानी से किराए की दुकान पे मिल जाएगी। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं या आपको नहीं मिल रही है तो आप इसकी जगह 4 से 5 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। और साथ ही में मैंने 1 चम्मच यहाँ पर चावल का आटा डाला है क्रिस्पी करने के लिए। आप इससे नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन क्रिस्प करने के लिए हमें चावल का आटा डाला है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख देना है। 1 प्याज का मैंने यहाँ पे बिरिस्ता कर लिया जिसको हाथों की मदद से क्रश करके इसमें डालना है। ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि इससे जो कबाब का टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ज़रूर से आप डालना। और आधा नींबू का रस डाल के हमें मिक्स करके इसे साइड में रख देना है। इतने ये रेस्ट कर रहा है 10 मिनट के लिए। आइए हम कबाब के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर का जार लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और पुदीना डाला है, 3 से 4 हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च आप तेज़ायत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4 से 5 लहसुन की जवे डाली है और 1/2 चम्मच ज़ीरा डाला है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालकर इसमें मैंने यहाँ पे बर्फ़ डाला है। बर्फ़ डालने से या ठंडा पानी डालने से जो हमारा चटनी का कलर है वो मेंटेन रहता है, इसलिए आप बर्फ़ या ठंडा पानी ही चटनी में यूज़ करना। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कलर आया चटनी में, और आपको बर्फ़ डालने से ऐसे चटनी में कलर इसका ऐसे ही मेंटेन रहेगा, इसलिए आप इसे ठंडा पानी या बर्फ़ के साथ ही पीसना। अब चटनी भी हमारी हो गई है रेडी। चलिए अब भोला कबाब बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हाथों में अच्छे से तेल लगाकर हमें इसे गोले का शेप देना है, और एक सी की सिलाई की मदद से आपको, या आपके पास ये नहीं है तो आप एक पेंसिल पेन वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और हमें ऐसा शेप देना है। इसको देख सकते हैं आप, ऐसे ही मैंने सारे इसको रेडी कर दिए थे। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल कबाब का शेप भी इसे दे सकते हैं। देख सकते हैं मैंने ऐसे भी शेप दिया है इसे। मैंने आधे शेप ऐसे शेप का बनाया है और आधा मैंने गोला कबाब बनाया। जो मैंने कबाब फ्राई किए हैं वो डीप फ्राई किए हैं, और जो गोला कबाब मैंने फ्राई किए हैं वो शॉलो फ्राई किए। मैं आपको दोनों तरीके से करके बताती हूँ। देख सकते हैं मैं इतने मैंने गोला कबाब बनाए थे, ये मैं शॉलो फ्राई करूँगी। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, और हमारा तेल भी जो है वो मीडियम ही गर्म होना चाहिए। एकदम ज़्यादा हाई पे आप इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से मैंने ये 4 कबाब को फ्राई करके साइड में रख दिया था। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच तेल गर्म करने रख दिया था। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने जो कबाब बनाए थे वो इसमें डालना है। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, या तो
स्लो रखना है, हाई पे आपको नहीं पकाना है, क्योंकि हमारे जो कबाब है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से लाल हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको गैस का फ्लेम स्लो या मीडियम ही रखना है। जैसे ही एक साइड से गोल्डन हो जाएगा आपको उसको पलट देना है। पलट के चारों तरफ से हमें अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है इसे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, बट मुझे इस शैलो फ्राई ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, इस वजह से मैंने शैलो फ्राई किया है। साइड में मैंने सिजलर प्लेट को गर्म करने रख दिया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। अभी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पे प्याज को स्लाइस करके रखा था, वो इसमें डालना है और इसे भी हमें 2 मिनट तक सॉटे करना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मस्का डाला है साइड में। हमें सिर्फ प्याज को सॉफ्ट कर लेना है, उसके बाद जो हमने गोला फ्राई कबाब फ्राई करके रखे हैं वो इसमें तेल के साथ इसमें डालना है हमें। मज़ेदार और खुशबूदार हमारे स्पाइसी गोला कबाब तैयार हो गए हैं। देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना फ्रेंड्स, यकीन मानिए खाने में भी उतने ही ज़्यादा अच्छे बने थे। आप एक बार ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आप इसे स्टार्टर के तौर पे या तो साइड डिश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपके मेहमान आए, आप झटपट कुछ बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बेस्ट है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर में सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। साथ में मैंने जो हरी चटनी बनाई है वो भी आप जब ये बनाएंगे तो साथ में हरी चटनी भी ज़रूर बनाना, उसके साथ कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ में आप पाव मंगा लेना, बस मज़े से आपकी फैमिली इंजॉय करेगी। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखना और रेसिपी पूरी फॉलो करना। चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एवरीवन।